दोस्तों बीते कुछ सालों से आप लोगों को बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में ये जानने को मिला होगा कि इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी को मॉडर्नाइजेशन का खास जरूरत है। साथ ही साथ आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि एयरफोर्स डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ का शिकार है, नेवी में सबमरीनों का संख्या कम है, या फिर ये भी सुने होंगे कि आर्मी में T-72 टैंक को और BMP-1 और BMP-2 को बहुत जल्द रिप्लेस किया जाना जरूरत है। पर दोस्तों जो लोग इस तरीके का न्यूज से हाल ही में बहुत मायूस हो गए होंगे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। गवर्नमेंट के सोर्सेज के थ्रू सुनने को मिल रहा है कि आने वाले 5 से 7 साल के बीच में इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किए जाने के लिए करीबन $130 बिलियन का खर्चा किए जाने का बातचीत किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक रिसेंट के हालातों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में 5 से 7 साल के अंदर डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करने के लिए $130 बिलियन खर्चा करने का सोच विचार किया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का डिसीजन ले लिया गया है, जिसके लिए तीनों फोर्सेस को अत्याधुनिक इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, टैंक, जहाज, सबमरीन और अत्याधुनिक इन्फेंट्री व्हीकल भी जरूरत है। गवर्नमेंट के तरफ से ये भी बताया गया है कि इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री डिवीजन को इमीडिएट मॉडर्नाइजेशन का जरूरत है, जिसके लिए 1700 नया फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और 2300 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने का बातचीत किया जा रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए 110 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भी प्रोसीजर को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। डिफेंस फोर्सेज के तरफ से पहले ही बहुत बार दो मुखी लड़ाई में प्रस्तुत रहने के लिए आर्म फोर्सेज को मॉडर्नाइज करने का बात किया गया था, जबकि इस तरीके का मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड एलोकेशन के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के साथ डिफेंस फोर्सेस का बहुत बार बातचीत भी हो चुका है। गवर्नमेंट के सोर्सेस में ये भी पता चला है कि चाइना के तरफ से अपने नेवी को बहुत तेज गति से डेवलप किया जा रहा है और चाइनीज नेवी में ज्यादा से ज्यादा जहाजों को भी शामिल किया जा रहा है, और इस तरीके का एग्रेसिव नेवी को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी के साथ साथ एयरफोर्स को भी अत्याधुनिक और हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट के द्वारा लैस करना ज्यादा जरूरत है। इंडियन नेवी के पावर को और बढ़ाने के लिए आने वाले समय में नेवी में 200 जहाज, 500 एयरक्राफ्ट और 24 सबमरीनों का जरूरत है, जबकि हाल ही में इंडियन नेवी के पास 132 जहाज, 220 एयरक्राफ्ट और सिर्फ 15 सबमरीन है। दोस्तों सुनने को ये भी आया है कि बीते 10 साल में इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत ही बहुत सारा जहाजों का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिनमें से करीबन 32 से 35 जहाज हाल ही में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट 17A विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर और प्रोजेक्ट 28 जैसा जहाजों का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गवर्नमेंट के तरफ से नया सबमरीन खरीदने का प्रोजेक्ट 75I को भी मंजूरी दे दिया गया है, और इसके लिए भी प्रोसीजर को बहुत तेज किया गया है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के लिए भी फंड एलोकेशन और डिजाइन फेज को कम्प्लीट करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। सोर्सेज के थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के तरफ से एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें फाइटर, रिकॉग्निशन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर फ्लीट भी शामिल है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में 83 और तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भी डील को क्लियरेंस दे दिया गया है, जबकि ये डील आने वाले कुछ महीनों में साइन हो जाएगा। इसके अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रशिया के साथ Ka-2260 हेलीकॉप्टर को लेकर भी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। दोस्तों सोर्सेज के तरफ से यह भी पता चल रहा है कि बड़े बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से मेगा प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रमुख है, जैसे कि S-400 और NASAMS-2 सिस्टम के साथ साथ इंडिया का खुद का बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि हाल ही में गवर्नमेंट के तरफ से आकाश मिसाइल खरीदने का भी एक नया ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा कोस्टल सिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े प्लान किया जा रहा है, जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ कोस्टल बैटरी खरीदने का भी बातचीत किया जा रहा है, जबकि हाल ही में कोस्टल शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर द होराइजन रडार स्टेशनों का भी स्थापना किया गया है, जिन रडार स्टेशनों में ब्रह्मोस मिसाइलों को भी तैनात किया जाएगा। और दोस्तों इन प्रोजेक्टों में सबसे खास प्रोजेक्ट है Agni-5 मिसाइल का प्रोजेक्ट, जो इंडिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका रेंज करीबन 5000 से 8000 किलोमीटर है। और सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल Agni-5 का पहला बैच इंडियन आर्मी को भी मिल जाएगा, जबकि इससे पहले Agni-1 से लेकर Agni-4 तक चारों मिसाइलों का सीरीज
चीजों को इंडियन आर्मी में शामिल किया जा चुका है। पर दोस्तों इनमें भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोजेक्टों का तो नामकरण और डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाता है, लेकिन इसको मंजूरी मिलने में और हकीकत के शक्ल देने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। पर हाल ही में ये भी सुनने को आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को भी आसान और सहज किया जाएगा, जिसके बाद ये सब डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए लंबा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सभी बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।